इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन माइनक्राफ्ट वन चेस्ट। इसमें हमें केवल एक चेस्ट से कुछ आइटम मिलेंगे, हमें उसका यूज करके सर्वाइव करना है और इसके साथ ही हमें कुछ चैलेंज को भी कंप्लीट करना है। तो ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल 100 डेज ऑन वन चेस्ट। तो इस वर्ल्ड में हम स्पॉन हुए थे एक चेस्ट के ऊपर और हमारे पास बहुत ही टाइनी स्पेस था, तो हम दोनों भाई एक दूसरे में घुसे पड़े थे। ये चेस्ट हवा में ऐसे ही फ्लोट कर रहा था बिना किसी सपोर्ट के और इसके आसपास भी कुछ नहीं था। तो ये देख के मेरी हालत खराब हो गई, तो मैंने फटाक से कंट्रोल से स्निक को होल्ड से टॉगल पे सेट किया और अब मैं पूरा गेम इसी पे खेलने वाला था। इसके बाद मैंने चेस्ट को ओपन किया और ये चेस्ट पूरा फुल था। इसमें 9 स्टेक ग्रास ब्लॉक, वाटर, लावा, 64 ओक सैपलिंग, 2 स्टेक रेड स्टोन और बहुत सारे सीड्स, 1 स्टेक विलेजर स्पॉन एग और कुछ शुगर केन थे। यानी हमारी शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी। फिर मैंने चेस्ट से ग्रास ब्लॉक को लिया और चेस्ट के साइड में ही ग्रास ब्लॉक को प्लेस करने लगा, लेकिन मैं वहां पे इसे प्लेस नहीं कर पा रहा था। तो फिर हम लोग ने जंप करके ग्रास ब्लॉक को चेस्ट के ऊपर प्लेस किया और एक छोटा सा प्लेटफार्म बनाया, लेकिन ये प्लेटफार्म मुझे चेस्ट वाले लेवल पे चाहिए था। तो फिर मैंने चेस्ट से वाटर लिया और वाटर का यूज करके प्लेटफार्म के नीचे एक डर्ट लगाया और सारे प्लेटफार्म को एक ब्लॉक नीचे कर दिया। इसके बाद हमने प्लेटफार्म को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और इसके साथ ही फर्स्ट नाइट भी हो गई। तो फिर मैंने चेस्ट से थोड़ा सैपलिंग निकाला और उसे प्लांट कर दिया। इसके बाद मैंने वाटर और लावा लेके और एक कोबलस्टोन जनरेटर मशीन बनाने लगा, लेकिन मैं इसे बनाना ही भूल गया। इस तरह तो मैं प्रोफेशनल माइनक्राफ्ट यूट्यूबर नहीं बनने वाला। इसी बीच में मेरा दूसरा भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया था, तो अब हम 3 लोग थे और तुम लोगों को तो पता ही होगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब बस देखना है कि हम काम कब बिगाड़ते हैं। बट एनीवे, मैं फिर से कोबलस्टोन मशीन बनाने लगा और अब मेरे पास 2 मजदूर थे, तो मैंने 2 स्टोन जनरेट करने वाला मशीन बनाया। मशीन तो मैंने बना दिया था, लेकिन हम लोग उसे माइन नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास वुड नहीं था और अभी एक भी ट्री ग्रो नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग ट्री ग्रो होने का वेट करने लगे। इसके बाद एक भाई ने लावा के पास ट्री को प्लांट कर दिया और वो बोल रहा था कि लावा के हिट से ये जल्दी ग्रो हो जाएगा। आई डोंट नो इसके दिमाग में ये फुद्दू आइडिया कहाँ से आता है। इसके बाद मैंने भी थोड़ा सा और ट्री प्लांट कर दिया इस उम्मीद में कि कोई तो एक ग्रो हो जाएगा। और फिर हम लोग वेट करने लगे। अगली सुबह हो गई, दोपहर भी हो गया, लेकिन कोई ट्री ग्रो नहीं हुआ। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक ट्री ग्रो हुआ और गेस करो कौन सा ट्री ग्रो हुआ होगा। हाँ, वही ट्री ग्रो हुआ जो भाई ने लावा के पास प्लांट किया था। मुझे नहीं पता कि भाई ये चमत्कार कहाँ से कर लेता है। बट एनीवे, अब हमारे पास ट्री था तो मैंने जल्दी से ट्री को चॉप किया और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और 2 वुडन पिकैक्स बनाया और दोनों मजदूरों को स्टोन माइन करने के लिए दे दिया। फिर मैंने अपने लिए एक एक्स बनाया और इसके बाद मैं ट्री चॉप करने लगा और भाई लोग स्टोन माइन करने लगे। इसके बाद मैंने 2 स्टोन का पिकैक्स बनाया जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी और जितने मैंने वुड कलेक्ट किया था उसका स्लैब बनाया और प्लेटफार्म को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया और वहां पे मैंने फार्मिंग कर दिया। इसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और हमारे पास कोल तो था नहीं, तो चारकोल का यूज करके कुछ टार्च बनाया और प्लेटफार्म पे लगाया। इसके बाद मैंने प्लेटफार्म को और एक्सपेंड किया और उस पर भी ट्री प्लांट कर दिया। और ये मेरे भाइयों को देखो कितनी मेहनत, शिद्दत और लगन से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं बताया है कि इस मजदूरी का इन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाला, तो ये अपना लगे पड़े हैं। और इसी के साथ डे 2 की सुबह भी हो गई और उस दिन भी मैंने केवल ट्री चॉप किया और प्लेटफार्म को एक्सपेंड किया और वहाँ पे भी ट्री प्लांट कर दिया। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स था नहीं, तो हमें वुड और कोबल स्टोन से ही काम चलाना था, तो मैंने जितना हो सका उतना ट्री फार्मिंग किया। इसके बाद डे 2 की रात को हमने प्लेटफार्म के आउटलाइन पे काम करना शुरू कर दिया और फिर प्लेटफार्म को वुड से फिल करने लगे। इसके लिए हमने ट्री फार्म को और भी एक्सपेंड किया था। डे 4 तक ये प्लेटफार्म कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने प्लेटफार्म पे और डर्ट प्लेस किया और बहुत सारी ट्री प्लांट किया। फिर मैंने प्लेटफार्म के एक साइड में बहुत सारे ग्रास ब्लॉक को प्लेस किया क्योंकि ग्रास ब्लॉक पे एनिमल के स्पॉन होने का चांस होता है और यदि यहाँ पे कोई शिप स्पॉन होता है तो हमें वूल मिल जाएगा और आगे चल के हमें बहुत सारे बेड चाहिए था, तो इसके लिए वूल जरूरी था। इसके बाद मैंने भाई के साथ एक और प्लेटफार्म पे काम करने लगा और फिर मैंने बहुत सारे फर्नेस बनाया और कोबल स्टोन को उसमें कुक करने लगा क्योंकि मुझे एक मॉब फॉर्म बनाना था जिसके लिए मुझे बहुत सारे स्टोन चाहिए था। फिर मैंने कुछ ट्री चॉप किया और मॉब फॉर्म बनाने के लिए प्लेटफार्म बनाने लगा और फिर प्लेटफार्म को कंप्लीट करते समय मेरे गधे भाई ने मुझे एक लाफा मार दिया। देखो, मैं प्रो बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे भाई लोग मुझे प्रो बनने नहीं देने वाले और इस वजह से भी मैं हार्डकोर नहीं खेलता। ओके, तो इसके बाद मैं फिर से रिस्पॉन हुआ और दोबारा से सारे टूल्स को क्राफ्ट किया और फिर से स्टोन को स्मेल्ट किया और इसके बाद मॉब फॉर्म बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए थे सारे मटेरियल्स को कलेक्ट किया और डे 6 को मैं मॉब फॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। और हाँ, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम सारे वीडियो में सबसे पहले मॉब फॉर्म ही बनाते हो, कुछ अलग नहीं करते। तो हाँ यार, मैं करना चाहता हूँ पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता और इस बार तो हमें बेड बनाने के लिए वूल भी चाहिए था, तो इसलिए भी मैंने पहले ही मॉब फॉर्म ही बनाया और इसे स्पाइडर प्रूफ भी नहीं किया था। और जब तक मैं ये सब बना रहा था तब तक भाई ने 3 छोटे छोटे और
प्लेटफॉर्म को बना दिया था। डे 8 तक मॉब फॉर्म बनके कंप्लीट हो गया था और फिर मैं मॉब की कुटाई करने लगा क्योंकि मुझे वुल बनाने के लिए स्ट्रिंग चाहिए था, लेकिन मेरी किस्मत मुझे केवल 2 ही स्ट्रिंग मिला और मैंने एनिमल स्पॉन कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया था वहां पे भी कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने एक भाई को मॉब की कुटाई करने के काम पे लगा दिया और फिर मैंने एक सबल बनाया और सारे ग्रास ब्लॉक को वहां से रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद हमारे से ज्यादा पास है, इसकी वजह से यहां पे कोई एनिमल स्पॉन नहीं हो रहा। तो फिर भाई ने जो 3 प्लेटफॉर्म बनाया था उस पे से एक पे मैंने एक प्लेन एरिया बना दिया और उस पे कुछ ट्री भी प्लांट कर दिया। इसके बाद मैं ट्री चॉप करने लगा और अभी तक हम स्टोन का यूज करके एकदम पक चुके थे और अभी हमें आयरन के टूल्स चाहिए थे और आयरन हमें इन भाई साहब से मिल सकता था। तो फिर मैंने एक बंकर बनाना शुरू किया और यहाँ पे हम लोग विलेजर स्पॉन एक से विलेजर को स्पॉन करा के कैद करेंगे ताकि वो आयरन गोलम को स्पॉन करा सके। बंकर को कंप्लीट करने के बाद मैंने वहाँ पे विलेजर को स्पॉन कराया और मुझे लगा कि अंडे से बाहर आके ये खुश होंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। अब मैं आयरन गोलम के स्पॉन होने का वेट कर रहा था ताकि मैं उसकी कुटाई कर सकूं, लेकिन कोई भी आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ। और फिर भाई ने बताया कि मॉब फॉर्म भी काम करना बंद कर दिया था। तो फिर मैं ऊपर चढ़ के देखा तो बड़ा ही भयानक मंजर था, तो फिर मैं वापस भाग आया और अभी भी प्लेटफॉर्म पे कोई शिप या एनिमल स्पॉन नहीं हुए थे। और एक दिन भी बीत गया और कोई आयरन गोलम भी स्पॉन नहीं हुआ क्योंकि शायद आयरन गोलम को स्पॉन कराने के लिए विलेजर को बेड चाहिए था, लेकिन अभी हमारे खुद के पास ही बेड नहीं था तो हम उन्हें क्या ही बेड देते। इसके बाद भाई को मॉब फॉर्म से एक आयरन मिला था तो मैंने उसका यूज करके एक शील्ड बनाया और फिर मैं मॉब फॉर्म को ठीक करने चला गया। फॉर्म में कुछ स्पाइडर स्पॉन हुए थे जिनको मारने में मुझे कुछ स्ट्रिंग भी मिल गया और मॉब फॉर्म बनाते समय मैंने वाटर का भी यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे एल्डर मैन को भी स्पॉन कराना था, लेकिन इस बार मैंने वाटर एड कर दिया। वापस आके मैंने सारे स्ट्रिंग का वूल बनाया और कुछ वूल भाई ने भी बनाया था, तो उन सब का यूज करके मैंने फाइनली 2 बेड क्राफ्ट किया और उनको विलेजर के पास लगा दिया, लेकिन अभी इनके लिए और भी बेड चाहिए था। तो फिर मैंने कुछ फैंस बनाया और एक प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया और उसपे से सारे टॉर्च को हटा दिया ताकि यहाँ पे रात पे कोई स्पाइडर स्पॉन हो सके और मैं उसे मार के स्ट्रिंग कलेक्ट कर सकूं। रात होने में टाइम था तो फिर मैं मॉब की कुटाई करने लगा और वहां से भी मुझे कुछ स्ट्रिंग मिल गया तो मैंने एक और बेड क्राफ्ट किया और उसे भी विलेजर को दे दिया। और इस टाइम तक भी यहाँ पे कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं हुआ था तो फिर मैंने वहां पे और ट्री प्लांट कर दिया। इसके बाद रात हो गई तो मेरे चाहने वाले कुछ ज्यादा ही आ गए, तो फिर मैं विलेजर के पास चला गया और उनके बंकर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया क्योंकि ये कोई भी गोलम स्पॉन नहीं कर रहे थे, तो सेकंड वाले पार्ट में हम इन्हें डराने के लिए ज़ॉम्बी रखेंगे। और इसके बाद सुबह भी हो गई और कुछ मॉब तो जल गए और बचे हुए को मैंने मार दिया और सारे स्पाइडर को मारने के बाद मैं केवल 5 ही स्ट्रिंग कलेक्ट कर पाया। और इसके बाद भाई को मॉब फॉर्म से एक पोटैटो मिल गया था और कुछ स्ट्रिंग भी मिले थे, तो फिर मैंने पोटैटो को प्लांट कर दिया और एक और बेड भी बनाया। और इसके बाद विलेजर के पास 2 ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो गए थे तो मैंने उन्हें बोट में बैठा दिया और फिर भाई ने उसे ओपन किया ताकि विलेजर उनसे डरे। और अभी मेरे हेल्थ की हालत बहुत ही खराब चल रही थी तो फिर मैंने बोन मिल का यूज करके कुछ पोटैटो को ग्रो किया और उसे खाने के लिए कुक किया और फाइनली फिर हमारा मेहनत भी सफल हुआ, एक आयरन गोलम स्पॉन हुआ था। इसके लिए हमने बहुत ही मेहनत किया था, तो फिर मैंने उसकी कुटाई किया, तो फिर मैंने अपने लिए एक आयरन का पिकेक्स बनाया। एक आयरन का टूल्स बनाने में हमें 12 दिन लग गए थे। इसके बाद मैंने एक फुद्दू हरकत किया, वो मैं बता नहीं सकता, पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन हां इससे मुझे एक बात रियलाइज हो गया, मुझे एक आयरन फार्म बना लेना चाहिए क्योंकि इस प्राणी को मारने में जान का बहुत ही खतरा है और इसके साथ टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, बेड, और अभी भी यहाँ पे कोई भी शिप स्पॉन नहीं हुआ था तो इस जगह से तो मैं सारा होप खो चुका था। तो फिर मैंने अपने क्लासिक तरीके से बेड बनाने के लिए स्ट्रिंग कलेक्ट करने लगा और फिर आयरन फार्म बनाने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करने लगा और तभी एक चमत्कार हो गया, प्लेटफॉर्म पे 2 शिप स्पॉन हुए थे। तो फिर मैंने एक बोट बनाया और उन्हें बोट पे बैठाने गया तो देखा कि वहां पे 2 नहीं 3 शिप स्पॉन हुए थे और अब फाइनली हमारे पास वूल की कमी नहीं होने वाला। इसके बाद मैंने एक सीजर बनाया और उन्हें शेयर किया और फिर अपने सोने के लिए 3 बेड को क्राफ्ट किया। इसके बाद मैंने बहुत सारा फेंस बनाया और प्लेटफॉर्म को चारों तरफ से कवर कर दिया। फिर मैंने शिप को बोट से बाहर निकालने लगा और इसी में मैंने गलती से एक शिप को मार दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 शिप थे तो मैंने फिर उनका ब्रीडिंग कराया। और फिर हम तीनों भाई उस रात इस वर्ल्ड में अपनी पहली स्लीप लिए और इसके साथ ही डे 14 भी हो गया था और अब हमें प्लेटफॉर्म पे कोई भी मॉब स्पॉन कराने की जरूरत नहीं थी। तो लास्ट टाइम मैंने सारे मॉब को मारा और प्लेटफॉर्म को क्लीन किया और इसके बाद ही आयरन फॉर्म बनाने शुरू कर दिया। और हाँ, इसके लिए मैं कोई ट्यूटोरियल्स फॉलो नहीं कर रहा था, इसे मैं अपने से ही बना रहा था आयरन फॉर्म के बेसिक को यूज करके। अब हमें एक ज़ॉम्बी की जरूरत थी तो मैंने एक साइड के प्लेटफॉर्म के सारे टॉर्च को रिमूव कर दिया और फिर मैं वेट करने लगा। ज़ॉम्बी तो स्पॉन नहीं हुआ लेकिन ये लोग आ गए, तो फिर मैंने प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड का भी टॉर्च हटाने लगा और तभी मुझे फॉर्म के अंदर से एक ज़ॉम्बी की आवाज़ आई। तो फिर मैंने चेक किया तो एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था, तो फिर मैंने उसे बोट में बैठा दिया और इसके स्पॉन होने की वजह से मेरा बहुत ही काम आसान हो गया था। तो फिर मैंने फॉर्म को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया।
फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद मैं वेट कर रहा था, लेकिन कोई भी आयरन गोलम स्पॉन ही नहीं हुआ। रात भी हो गई और अभी भी एक भी गोलम नहीं आया। तो फिर मैं चेक करने गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो मैंने देखा कि विलेजर चैन की नींद सो रहे थे। तो फिर मैं उसे ठीक करने लगा, जिसमें मेरी एक बार जान भी चली गई, लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया। और अब विलेजर भी डरने लगे और आयरन गोलम की भी जलने की आवाज आ रही थी, और अभी आयरन फॉर्म काम करने लगा। इसके बाद मैंने कुछ जॉब ब्लॉक बनाया और उसे विलेजर के पास प्लेस कर दिया। फिर मैंने विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए कुछ कैरेट को ग्रो किया। और हाँ, ये कैरेट भी भाई को मॉब फॉर्म से मिला था, शायद मैं इसे दिखाना भूल गया था, तो कोई क्रिएटिव नहीं बोलेगा। डे 19 को मैं विलेजर के साथ ट्रेडिंग शुरू कर दिया और टूल स्मिथ को अपग्रेड करने लगा, क्योंकि मुझे उसे डायमंड के टूल्स चाहिए थे। एक्सपर्ट लेवल पे ये डायमंड का एक्स ट्रेड कर रहा था, जिसमें ठीक ठाक एंचेंटमेंट थी, और मास्टर लेवल पे डायमंड का पिकेक्स भी ट्रेड करने लगा, जिसमें केवल अनब्रेकिंग 1 था। फिर भी मैंने उससे भाई के लिए एक पिकेक्स को बाई कर लिया। इसके बाद मैंने देखा कि एक आयरन गोलम बहुत ही देर से ऊपर ही फंसा था, और इसकी वजह से आयरन फॉर्म की इफिशियंसी लो हो रही थी। तो फिर मैं आयरन फॉर्म को दोबारा से ठीक करने लगा। मुझे इसे बनाते समय कोई ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लेना चाहिए था, मेरा इसमें बहुत ही टाइम बर्बाद हुआ। लेकिन इस बार आयरन फॉर्म को ठीक करने के बाद ये सही से काम कर रहा था। इसके बाद मैंने कुछ आयरन को ट्रेड किया और अपने लिए भी एक डायमंड का पिकेक्स बाई कर लिया। जब तक मैं यह सब कर रहा था, भाई स्टोन माइन कर रहा था। और हाँ, इस समय तक वर्ल्ड में हम लोग केवल दो ही लोग थे, क्योंकि एक भाई का अगले दिन एग्जाम था तो वो पढ़ाई करने चला गया। तो आगे कुछ दिनों तक हम दो ही वर्ल्ड में थे, और बीच बीच में वो आ भी रहा था, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। एनीवे, इसके बाद मैंने भाई के सारे स्टोन को चोरी किया और उसका बहुत सारा स्लैब बनाया, और फिर मैंने कंट्रोल को टॉगल पे सेट किया और फिर मैं ब्रिजिंग करने लगा। अभी आप लोग सोचोगे कि ये क्या कर रहा है। तो जब मैं वर्ल्ड में आया था तो मुझे लगा कि केवल इसमें एक ही चेस्ट है, लेकिन मैं गलत था। इस वर्ल्ड में विलेज, रुइंड पोर्टल, विलेजर आउटपोस्ट और सबसे जरूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था, यानी हम लोग एल्डर ड्रैगन को भी मार सकते थे। लेकिन इस समय मेनली मैं रुइंड पोर्टल को ढूंढने जा रहा था, ताकि मुझे वहां से ऑब्सिडियन मिल जाए और मैं नेदर जा सकूं, और नेदर से भी कुछ रिसोर्स को चोरी कर सकूं। थोड़ी देर बाद मुझे एक विलेज भी मिल गया। पास गया तो देखा कि वहां पे केवल दो ही हाउस था। तो इसके बाद मैं दूसरे साइड ब्रिजिंग करने लगा। बीच में मुझे और भी विलेज मिले, लेकिन मैं सबको इग्नोर किया और एक सीधी लाइन में चलता रहा। दो दिन तक ब्रिजिंग करने के बाद फाइनली मुझे वो दिख गया जिसकी मुझे तलाश थी, रुइंड पोर्टल। लेकिन अभी मेरे पास स्लैब खत्म हो गए थे, तो फिर मैंने वुड का कुछ स्लैब बनाया और ब्रिजिंग करने लगा। लेकिन ये काफी नहीं हुआ, मैं अभी भी पास नहीं पहुंच पाया। और अब मेरे पास कोई भी ब्लॉक नहीं था और बेस मेरे से ऑलमोस्ट 1500 ब्लॉक दूर था। तो इसके बाद मैंने वहीं पे एक चेस्ट बनाया और सारे सामान को उसमें रख दिया। बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं वापस जाते समय पक्का वाइड में गिरने वाला था, और एज आई एक्सपेक्टेड वही हुआ, मैं मर गया। लेकिन टेक्निकली मैं वाइड में नहीं गिरा, बट ये भी एम्बेरसिंग ही था। बट मैं बेस पे जल्दी आ गया। इसके बाद मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तब तक रात हो गई और रात में जाने में बहुत ही खतरा था। और तभी भाई ने बोला कि एक बड़ा वाला कॉबल स्टोन मशीन बना दे। तो फिर मैंने रात में कॉबल स्टोन मशीन बनाया। डे 24 की सुबह को मैं वापस रुइन पोर्टल के पास चल दिया, और पूरा दिन चलने के बाद शाम तक मैं वहां पहुंच भी गया। फिर मैं पानी का यूज करके नीचे गया। वहां चेस्ट से मुझे 4 ऑब्सिडियन मिल गए और कुछ फ्लिंट भी मिल गया। फिर मैंने वहां से सारे ऑब्सिडियन को भी माइन कर लिया। वहां से मुझे एक गोल्ड ब्लॉक और 14 ऑब्सिडियन मिल गया था, जो कि नेदर पोर्टल बनाने के लिए इनफ था। इसके बाद मैं वहां से बेस पे वापस आने लगा और डे 25 के रात को मैं वापस आ गया। ये 5 दिन मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था। वापस आकर मैं सबसे पहले अपने शिप को देखने गया, और अभी इसमें एक और नया सदस्य भी आ चुका था। इसके बाद मैंने नेदर पोर्टल बनाया, लेकिन मैं नेदर नहीं गया। फिर मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाया और एक ब्लेजर को स्पॉन करा के उसे फ्लेचर का जॉब दिया, और उसके साथ कुछ स्टिक का ट्रेड किया। इसके बाद भाई एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, तो फिर मैंने उसे भी ज्वाइन किया और प्लेटफॉर्म को कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपने और भाई के लिए आयरन का आर्मर बनाया और कुछ आयरन के सबल बनाया। इसके साथ ही मैं रुइंड पोर्टल से एक गोल्ड ब्लॉक भी लाया था, तो उसका यूज करके मैंने 80,000 का सूज बनाया, और उसे पहनकर हम लोग नेदर चले गए। इसके बाद हम दोनों भाई नेदर में ग्रेवल कलेक्ट करने लगे, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही जरूरत थी। इसमें मुझे कुछ कठिनाइयां भी आई, लेकिन मैंने उसका डटकर मुकाबला तो मैं कह रहा था कि मैंने उसका डटकर मुकाबला किया। मुझे वहां से जितना भी ग्रेवल मिला, मैंने सारा ग्रेवल कलेक्ट कर लिया, और मैंने कुछ हॉगलिंस को भी मार के लेदर भी कलेक्ट किया। इसके बाद मैं वापस आ रहा था, तो मुझे कुछ गोल्ड दिख गया, तो मैं उसे माइन करने लगा। लेकिन ये बात इन जनाब को बुरा लग गया, तो उन्होंने मेरा मर्डर कर दिया। लेकिन मैं फिर से वापस गया और अपना सारा सामान लेके वापस आया। डे 29 को हम लोग ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए थे। वापस आके मैंने सबसे पहले सारे ग्रेवल्स का कोरस डर्ट बनाया और उसे डर्ट बनाने लगा। इसके बाद हम लोग फार्मिंग करने के लिए एक बड़ा सा फार्मिंग फील्ड बनाने लगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया।
हमारा सारा डर भी खत्म हो गया और अभी भी ये फुल नहीं हुआ तो नेदर वाला एडवेंचर दोबारा शुरू हुआ। इस बार मुझे आसपास ग्रेवल नहीं मिल रहा था और जो मिला भी वो भी मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया। तो फिर मैं ग्रेवल की तलाश में दूर चला गया और फिर मुझे वहां दिखा है ग्रेवल ही ग्रेवल। मैंने वहां से सारे ग्रेवल को कलेक्ट कर लिया और ग्रेवल कलेक्ट करते समय मेरा ध्यान साइड में गया तो मैंने देखा नेदर फोर्ट्रेस, लेकिन उस समय मैंने इसे इग्नोर किया और ग्रेवल कलेक्ट करने पर फोकस किया। इस टाइम तक मेरे पास बहुत सारे ग्रेवल कलेक्ट हो गए थे तो इसके बाद मैं फोर्ट्रेस में चल दिया। फोर्ट्रेस के अंदर मुझे जाते ही मुझे एक चेस्ट दिखा जिसमें से मुझे 3 डायमंड और 1 डायमंड हॉर्स आर्मर और कुछ नेदर वॉल्ट मिल गया। इसके बाद मैं आगे नहीं गया और वहां से ही वापस भाग आया क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था और ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया था। वापस आके मैं फार्मिंग फील्ड को कम्प्लीट करने लगा। और इस बार ये पूरा फिल हो गया और हमने सारे क्रॉप को भी प्लांट कर दिया। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग किया और अपने लिए एक एक्स बाई किया। इसके साथ ही मैंने आर्मर के साथ भी ट्रेड किया। फिर मैंने देखा कि भाई ने ट्री का क्या हाल कर रखा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पे हीरो ब्रायन आया था। तो इसके बाद मैंने बहुत सारा ट्री चॉप किया और स्टोन कलेक्ट किया। डे 36 हो गया था और अभी हमारे बेस का प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीट नहीं हुआ था और ये कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अभी मुझे इसे कम्प्लीट करना है। मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म इस कॉर्नर पे और यहाँ तीनों साइड बनाना है तो जल्दी से मैं इसे बना लेता हूँ। एक सेकेंड, बूम, तो ये कंप्लीट हो गया है। ज्यादा नहीं, बस मेरे लाइफ का 1 घंटा और बर्बाद हो गया। डे 40 को पहली बार हमारे वर्ल्ड में एक वंडरिंग ट्रेडर आया था और एज एक्सपेक्टेड इस बार भी ये कचरा ही लाया था, गधे का बच्चा। इसके बाद मैंने सुगर कैन को हार्वेस्ट किया और उसका बहुत सारा पेपर बनाया और नेदर से मैं जो लेदर लाया था उसका यूज करके मैंने कुछ बुक बनाया और फिर बुक सेल्फ बनाया और उससे 3 लेक्टर्न क्राफ्ट किया। इसके बाद मैं विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देने लगा। विलेजर से मुझे फेदर फॉलिंग 4, मेंडिंग, प्रोटेक्शन, सिल्क टच, ये सारी एन्चेंटमेंट बुक तो आसानी से मिल गया, लेकिन इफिशियंसी और अनब्रेकिंग के लिए मुझे विलेजर को अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ा। एक दिन और मेहनत करने के बाद मुझे इफिशियंसी 4 ही मिला, लेकिन मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था तो मैंने उसके ट्रेड को भी लॉक कर दिया और फिर मुझे एक ने अनब्रेकिंग 3 भी दे दिया। इसके बाद मैंने खुले बैल की तरह अपने सारे क्रॉप को बर्बाद किया और उसे फ्लेचर के साथ ट्रेड करके मैंने कुछ हेमरल्ड कलेक्ट किया और कुछ ट्री को भी चॉप किया और उसे फ्लेचर के साथ ट्रेड कर दिया। इनफ हेमरल्ड कलेक्ट करने के बाद मैंने 2 सिल्क टच और 2 एफिशिएंसी 4 का बुक बाय किया। 1 सिल्क टच और एफिशिएंसी को मैंने अपने पिकेक्स में लगाया और 1 को भाई को दे दिया। इसके बाद मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किया और अगले एक दिन तक स्टोन को माइन किया क्योंकि अब मैं एक ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था। फिर मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए सारा मटेरियल्स कलेक्ट किया। इसके बाद मैंने भाई को मटेरियल्स कलेक्ट करने का जॉब दिया और डे 45 को मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम शुरू कर दिया। डे 56 तक ट्रेडिंग हॉल बनके कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग हॉल पे कुछ लिप्स को ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा सुंदर लगे। फिर मैंने विलेजर्स की नींद खराब किया और उनको बेड का लालच देके ट्रेडिंग हॉल में मूव करने लगा। हमने सारे विलेजर्स को अलग अलग कैबिन में कर दिया ताकि हमें ट्रेडिंग करने में आसानी हो। इसके बाद मैंने इंटीरियर पे थोड़ा काम किया और अब सारे विलेजर्स नाइस एंड ऑर्गेनाइज हो गए थे। इसके बाद हमने आउटर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा काम किया और थोड़ा सा टार्च ऐड किया और अब फाइनली ट्रेडिंग हॉल पूरा कंप्लीट हो गया था और अब मुझे ये काफी सुंदर भी लग रहा था। लेकिन अभी मुझे एनिमल के लिए बुरा लग रहा था और जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आई लव एनिमल्स, लव टू ईट देम, लेकिन डोंट वरी, मैं इन्हें अभी नहीं खाने वाला। मैं इनके लिए एक बाण बनाना चाहता हूँ तो मैंने इनके लिए कुछ एक नॉर्मल सा बिल्ड कर दिया। डे 60 तक ये भी कंप्लीट हो गया था। आई होप कि अभी ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे जब तक कि मैं इन्हें मार के खा नहीं जाता। तो अभी मैं बिल्ड करके बोर हो गया था और मुझे कुछ एडवेंचर करना था और ट्री चॉप करने से ज्यादा एडवेंचरस क्या हो सकता है, देखो कितना एडवेंचर है। इसके बाद मैंने और भी विलेजर को फ्लेचर का जॉब दिया और जितने भी मैंने वुड कलेक्ट किया था उसका स्टिक बना के सेल कर दिया। फिर मैंने दोबारा से अपने सारे क्रॉप को बर्बाद किया और उसे भी सेल कर दिया और ये काम लगातार 4 दिन तक चलता रहा जब तक कि मैं अमीर ना हो गया। तो अब हम अच्छे खासे अमीर हो गए थे तो फिर हम एल्डर ड्रैगन को मारने की तैयारी शुरू कर दिए। इसके लिए मैंने अपने और अपने भाई के लिए डायमंड का आर्मर बाय किया, कुछ मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4 की बुक भी बाय किया और उसे लगा के अपने आर्मर और टूल्स को पावरफुल किया और अब हम लोग पूरी तरह से इंचांटेड डायमंड के आर्मर में कवर थे। फिर मैंने फार्मर से कुछ गोल्डन कैरेट बाय किया और हम दोनों नेदर चले गए। ओके, तो अभी सभी लोगों को पता होगा कि एल्डर ड्रैगन को बीट करने के लिए क्या करना होता है। फर्स्ट, एंडर आई बनाने के लिए मटेरियल्स कलेक्ट करना। सेकंड, स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। थर्ड, एल्डर ड्रैगन को मारना, राइट? अनलेस कि कोई होगलिंस आपको पीछे से लावा में धक्का ना मार दे और आप लावा में जल के मर जाओ।
और इसी के साथ मैं अपने गरीबों वाले औकात पे वापस आ गया था और इस चीज को लेकर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं गेम को छोड़ के भाग गया। इसके बाद मैं लगभग एक घंटे बाद गेम को वापस ज्वाइन करता हूँ तो मैंने देखा कि 3 दिन और बीत चुके थे क्योंकि मैं सर्वर को बंद ही नहीं किया था। तो इसके बाद मैंने फिर से आयरन का एक्स बनाया और अभी भाई भी गेम में नहीं था तो मैंने अकेले ही मजदूरी किया, फसलों को बर्बाद किया, ट्रेडिंग किया और एक डायमंड का एक्स बाय किया और फिर से मजदूरी किया और ट्रेडिंग किया और फिर से दोबारा टूल्स और आर्मर को बाय किया। एक घंटे की मेहनत के बाद मैं फिर से अमीर हो गया था और फिर भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया। Day 22 को हम लोग दोबारा नेदर गए और इसके बाद हम ब्लेज रॉड कलेक्ट करने फोर्ट्रेस चले गए, लेकिन हमारी किस्मत फोर्ट्रेस तो था लेकिन वहाँ पे कोई ब्लेज स्पॉनर ही नहीं था। यहाँ तक कि ब्लेज स्पॉनर का प्लेस भी था बस स्पॉनर ही नहीं था। देखो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम किसी नॉर्मल प्लेयर की तरह दूसरे फोर्ट्रेस में चले जाएं या तो हम अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह वहीं पे ब्लेज को स्पॉन होने का वेट करें। तो डेफिनेटली हमने सेकंड वाला रास्ता चूज किया और वहीं पे ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लगे। कुछ टाइम लगा लेकिन हमें इनफ ब्लेज रॉड मिल गया। इसके साथ ही मुझे एक वेदर स्केल्टन स्कल भी मिला। इसके बाद वापस आते समय हमने थोड़ा सा सोल सैंड भी कलेक्ट किया और फिर हम लोग वापस ओवरवर्ल्ड में आ गए। इसके बाद मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और एक लाइब्रेरियन से ग्लास बाई करके उसका बोतल बनाया और फिर मैं पोर्शन बनाना शुरू किया और भाई स्टोन माइन करने लगा क्योंकि इसकी हमें बहुत ही जरूरत थी। एल्डर पर्ल तो हमें अपने मॉब फार्म से मिल गया था तो मैंने कुछ एल्डर आइज क्राफ्ट किया और इसके साथ ही मैंने कुछ एल्डर मैन को भी मारा और 2 एल्डर चेस्ट को भी क्राफ्ट किया। इसके बाद अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान एल्डर चेस्ट में रखा और Day 79 की रात को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल पड़े। एज एक्सपेक्टेड हमें ब्रिजिंग करना था तो फिर मैं ब्रिजिंग करने में लग गया। ओ गॉड फाइनली 2 दिन तक लगातार ब्रिजिंग करने के बाद Day 81 को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया। बिना टाइम वेस्ट किए हमने रिस्पॉन को सेट किया, पोर्टल को एक्टिवेट किया और फिर हम लोग इंड में चले गए और फिर से एक बार और हमारी मुलाकात हमारे प्रिय मित्र एल्डर ड्रैगन से हुई जिसको हम मारने वाले थे बिना किसी वजह के। तो इसके बाद मैंने सारा क्रिस्टल को फोड़ा और ड्रैगन की कुटाई करने लगा। इसने बीच बीच में मुझे हवाओं का सैर भी कराया, मैं तो बच गया लेकिन मेरे से ये बच नहीं पा रहा था। और इस तरह से हमने ड्रैगन को आसानी से हरा दिया और इसके बाद मैंने इसके अंडे को भी चोरी किया। इसके बाद मैंने कुछ इंड स्टोन माइन किया और भाई ने टावर से कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट किया। फिर मैं इंड डायमेंशन में चला गया और यहाँ मैं इलाइट्रा लेने नहीं आया था, मुझे बस ये कोरस फ्लावर चाहिए था तो मैंने उसे वहाँ से कलेक्ट किया और फिर हम वापस आ गए। इसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया। वापस आके मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटने लगा। वहां से मैंने कुछ ज्यादा नहीं बस कुछ बुक को ही कलेक्ट किया। इसके बाद मैंने और भाई ने अपना सारा आर्मर टूल्स और जरूरी सामान को एल्डर चेस्ट में रखा और फिर हम लोग वाइड में कूद गए। देखो मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था तो मैं वापस आने के लिए 2 दिन वेस्ट नहीं कर सकता था और अभी हमारा बेस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इस पे भी बहुत काम बाकी था और अभी हम इसे ऐसे से ऐसा बनाने वाले थे। इसके बाद मेरे दूसरे भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया और फिर हम बेस पे काम शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने ब्लेजर के ओल्ड बंकर को हटाया और इसके बाद हम लोग नेदर चले गए। वहां से हमने नेदर गोल्ड ओर, नेदर क्वार्ट्ज ब्लॉक, वार्प लाइनियम, कुछ वार्प फॉरेस्ट के ट्री, ब्लैक स्टोन और मैग्मा ब्लॉक को कलेक्ट किया और फिर वापस आके मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया और इसके बाद मैं फिर से वापस गया और वहां से मैंने क्रिम्सन लाइनियम को कलेक्ट किया और फिर से वापस आ गया। और अब हमने सारा मटेरियल्स कलेक्ट कर लिया था और अभी तक भाई ने बिल्डिंग का भी काम शुरू कर दिया था तो फिर मैंने भी काम शुरू किया, लेकिन सबसे पहले हमें सारे सामान को हटाना था जो कि Day 1 से ऐसे ही लवारिस की तरह यहाँ पे पड़े थे। तो फिर मैंने इनको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एरिया बनाने लगा। Day 90 तक ये बन के कम्प्लीट हो गया था और इसके लिए मैंने कोई हाउस नहीं बनाया था, इसे ऐसा ही मैंने गुफा की तरह बनाया था। स्टोरेज को कम्प्लीट करने के बाद मैंने उसके पास ही एक हाउस को भी बिल्ड करना शुरू कर दिया। Day 92 तक ये भी कम्प्लीट हो गया, इसके लिए भी मैंने स्टोन और ओक वुड का यूज किया था। और जब तक ये सब मैं कर रहा था एक भाई ने एक कस्टम नेदर पोर्टल बना दिया था और एक भाई को मैंने ट्री चॉपिंग पे लगा दिया था या मजदूर बना दिया था जो भी कह लो। फिर मैं अपने और भाई के बिल्ड को कंपेयर करने लगा तो 5 डेज में मैंने ये बनाया था एक बोरिंग सा घर और स्टोरेज एरिया और भाई ने एक कूल सा देखने वाला नेदर पोर्टल बनाया था जिसको ये कूल नहीं लग रहा तो ये देखो।
और अब ये देखो कौन सा ठीक लग रहा है। ओके, तो मैंने स्टोरेज एरिया तो बना दिया था लेकिन सारा सामान ऐसे ही पड़ा था, तो फिर हम लोगों ने सारा सामान को स्टोरेज एरिया में मूव किया और इसके बाद प्लेटफार्म पे सारे डर्ट को रिमूव किया जो कि हमने डे वन पे लगाया था और उसे स्लैब से रिप्लेस किया। इसके बाद भी हमारा प्लेटफार्म बहुत ही खाली लग रहा था, तो फिर मैंने एक और साइड एक और हाउस बिल्ड करने लगा। डे 97 तक ये भी बनके कंप्लीट हो गया था और ये हाउस भी मेरे नॉर्मल बिल्ड की तरफ बोरिंग ही लग रहा था। इसके बाद मैंने स्टोन जनरेटर मशीन को बीच वाले प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया और इसको मैंने आयरन फॉर्म के नीचे खाली प्लेस पे बना दिया, और बनाने के बाद ये भी आयरन फॉर्म का ही पार्ट लग रहा था। और अभी प्लेटफॉर्म का ये भी हिस्सा खाली हो गया था, लेकिन इस जगह मैं कोई हाउस बिल्ड नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत सारा हाउस बिल्ड कर दिया था। इस जगह मैं एक खुला एरिया बनाना चाहता था जो कि पहले से ही खुला था, तो फिर क्या मैंने काम शुरू कर दिया। अभी मैंने इसे बना के कंप्लीट कर दिया और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी तक भाइयों ने पीछे वाले एक प्लेटफार्म पे वार्प फॉरेस्ट और एक पे क्रिम्सन फॉरेस्ट बना दिया था। डे 99 तक बेस का मोस्टली बिल्ड कंप्लीट हो गया और ये देखने में भी हमें काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी भी बेस में कुछ डिटेल्स की कमी थी और हमारा एक लास्ट बिल्ड भी बचा था। हमें बेस के बीच में एक विंडमिल बनाना था, तो फिर मैंने विंडमिल बनाने के लिए टावर बनाना शुरू किया और भाई ने पहले रास्ते को ठीक किया और उसे डेकोरेट भी किया और फिर उसने विंडमिल का फैन बनाया। डे 102 तक ये भी बन के कम्प्लीट हो गया और उसी रात एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया और इस बार ये ब्रिज सेपलिंग लेके आया था। अगर ये पहले आया होता तो हमारे पास बिल्ड करने के लिए एक और वुड होता, फिर भी मैंने उसे कुछ सेपलिंग सैंड और कैक्टस बाय किया। कैक्टस को मैंने ओपन फील्ड में प्लांट कर दिया और एक ब्रिज सेपलिंग को भी प्लांट कर दिया और बचे हुए सेपलिंग को इम्पोर्टेंट आइटम वाले चेस्ट में सेफली रख दिया। और इसी के साथ हमारा बेस का पूरा बिल्ड कम्प्लीट हो गया था और ये रहा बेस का फाइनल टूर। आई होप आप लोगों को ये हमारा न्यू बेस और वीडियो दोनों पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन अदर वन। बाय।